अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ चिकन निहारी की रेसिपी शेयर करूंगी। इसकी भी रिक्वेस्ट थी। 2 किलो चिकन लिया है मैंने, 1.5 कप दही, 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट, 4 खाने के चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच भरकर हल्दी, 5 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 प्याज स्लाइस कर लें, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, नमक हसब जायका, जायफल जावित्री चाहिए होगी, 4 बड़ी इलायचियाँ और 8 छोटी इलायचियाँ चाहिए होंगी, काला और सफ़ेद ज़ीरा मिक्स 1 टेबल स्पून चाहिए, 1 खाने का चम्मच सौंफ, 10 लौंगे, 10 काली मिर्च और 2 दालचीनी स्टिक चाहिए होंगी, और 1 खाने का चम्मच चाहिए अदरक पाउडर, ऑयल चाहिए होगा। ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले मैंने तमाम साबुत मसालों को बारीक पीस लिया है और उनमें आप तमाम मसाले शामिल कर दें। इन्हें अच्छी तरीके से मिक्स करें। ये देखें, 2 किलो निहारी का मसाला तैयार हो गया है। अब एक पैन में मैंने ऑयल डाल गर्म किया है और इसमें 2 खाने के चम्मच लहसुन पेस्ट आप डाल दें और इसे ब्राउन कर लें। लहसुन को अच्छी तरह लाइट ब्राउन करना है। जब लहसुन ब्राउन हो जाए तो उसे मसाला डाल के हल्का चम्मच चलाएं और साथ ही दही शामिल कर दें और थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छी तरह भून लें। मसाला आपने बहुत अच्छे तरीके से भूनना है। जब मसाला अच्छी तरह भून जाए तो इसमें आप चिकन शामिल कर दें। अब चिकन को भी आपने हल्का सा भूनना है। चिकन को बहुत अच्छी तरीके से भूनना है। फिर इसमें आप तकरीबन 4 से 5 गिलास पानी शामिल कर दें। अब इसे कवर करके आप तकरीबन दरमियानी आग पर इसे इतना पकाएं कि चिकन गल जाए। ये देखें, चिकन हमारी गल चुकी है। अब मैंने कॉर्नफ्लोर पहले से घोल के रखा है पानी में, अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा थोड़ा करके। कॉर्नफ्लोर आप हमेशा अपने हिसाब से डालिएगा। कुछ कॉर्नफ्लोर जल्दी गाढ़ा करते हैं और कुछ नहीं गाढ़ा करते, तो आप अपने हिसाब से डालिएगा। कॉर्नफ्लोर डालने के बाद आप इसे अच्छे से मिक्स करें। फिर आप इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दें। ये देखें, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अब एक अलग से फ्राइंग पैन में आप ऑयल डालें थोड़ा सा। जब ऑयल गर्म हो जाए तो उसमें आप प्याज डाल दें, 1 स्लाइस की हुई। इस प्याज को लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है आपने, और निहारी को आपने पकने देना है बिल्कुल लो फ्लेम पर। ये देखिए, प्याज बिल्कुल लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब आप इसे निहारी के ऊपर भगार लगा दें इस प्याज का। एक दो मिनट निहारी को और पकाएं। लीजिए, मज़ेदार निहारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत शानदार बनती है। लीजिए, मज़ेदार होममेड निहारी बिल्कुल तैयार है। ये मसाले मैंने घर पे बनाए तो इसकी निहारी बहुत शानदार बनती है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।